मुझे जब कैरेक्टर सुनाया गया था सर ने मुझे पहले बताया था मैं एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ डायरेक्टर का जो कि एक्चुअली अभिषेक शर्मा ही है तो उन्हीं का फिक्शनल कैरेक्टर है. तो जब मुझे कैरेक्टर सुनाया मुझे बड़ा मज़ा आया. जब मैंने स्क्रिप्ट सुनी मुझे पहले वन लाइनर सुनाया गया था तो मैं तो वन लाइनर पर ही बड़ा खुश था. तो आई थिंक पहली बात हम उस बारे में सोचा नहीं. दूसरा ये फिल्म उसामा की लाइफ पे नहीं है. इस फिल्म में उसामा है ही नहीं. इस फिल्म में एक कैरेक्टर है जिसको हम फेक उसामा बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए. और वो फ़ायदा भी ऐसा नहीं है कि किसी को नुकसान पहुंच रहा है. इट्स ऑल इन अ कॉमिक वे. किसी का हमने कोई ऐसा मजाक नहीं उड़ाया कि पॉलिटिक्स में क्या हुआ या क्या होना है उस बारे में हम घुसे ही नहीं यार. बिकॉज हमने ये फिल्म ऑडियंस के लिए बनाई है कि आओ दो घंटे बैठ के फिल्म इंजॉय करो हंस के घर जाओ. यही फंडा था. कॉमेडी तो मैं हमेशा करना चाहता क्योंकि मैं वैसे हूँ थोड़ा सा पागल ऐसे दिख नहीं रहा हूँ वैसे लेकिन हूँ काफ़ी पागल. तो जब अभिषेक शर्मा जो दूसरे बहुत ही पागल किस्म के इंसान हैं उनको मैं मिला तो ये स्क्रिप्ट जब उन्होंने जैसे मनीष ने कहा कि वन लाइन पे ही हम लोग फिदा हुए कि वन लाइन में सुना और मैं हंस रहा था ज़ोर ज़ोर से तो वो कनेक्ट हो गया था मैं उस स्क्रिप्ट के साथ. मैं यही ढूंढ रहा था कि कौन सी कॉमेडी करूँगा ज़रूर लेकिन कुछ ढंग की कॉमेडी होनी चाहिए जिससे मतलब जो मेरे किस्म की कॉमेडी है जो मैं कनेक्ट कर पाऊँ क्योंकि फिर मैं फील करूँगा उसे. जो कॉमेडी आप बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फील करें आप उससे कनेक्ट करें क्योंकि फिर आप कॉमेडी की एक्टिंग नहीं कर रहे हैं फिर बस वो मतलब हो जाता है. यू बिकम द कैरेक्टर. या बिकम द कैरेक्टर और वो मतलब उसमें ट्राई नहीं करना पड़ता है कुछ कॉमेडी वाली लाइंस बोलना या ये इट जस्ट वो कल्मिनेशन होता है वो बहुत मजा आता है. सो माई कैरेक्टर इन दिस फिल्म आई एम प्लेइंग अ फिक्शनल माई सेल्फ मतलब मैं प्रद्युमन सिंह एज आई एम एन एक्टर तो वही एक फिक्शन हमने क्रिएट किया है इसमें. सो आई एम बेसिकली प्लेइंग द एक्टर हु प्लेड नूरा इन तेरे बिल्ला दिल.